Hello aspirants, welcome to daily news analysis of the Hindu. Today the date is 18th November, so let's get started. And पिछले दो तीन दिन मैंने आपके साथ न्यूज एनालिसिस स्किप किया था. उसका रीजन है दैट न्यूज पेपर में उतना कुछ ज्यादा वर्थ था नहीं. ओके, जो चीजें हैं वो ऑलरेडी या तो प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में कवर हो जाती हैं या फिर हमारा मेंस इनिशिएटिव में, मेंस 450 प्लस में. ठीक है, ऐसी छुटपुट न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी जिसके लिए आपका रोजाना न्यूज़पेपर में टाइम वेस्ट किया जाए. क्योंकि जब भी इलेक्शंस होते हैं किसी एक दो स्टेट्स में तो जनरली आपका पेपर पॉलिटिकल न्यूज से ज्यादा रिलेटेड होता है. ओके, आज हमारे पास चार पांच ऐसे इश्यूज हैं जिन पे हमें बात करनी है, तो इसलिए हम लोग न्यूज एनालिसिस कर रहे हैं. बट डोंट थिंक कि हम लोग रेगुलर नहीं है या स्किप कर रहे हैं. जब भी मैं स्किप कर रहा हूँ मेक श्योर और कि अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो या तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डायरेक्ट पोस्ट कर दूंगा अगर हार्डली एक न्यूज काम की होगी, या फिर पेपर उतना वर्दी नहीं होगा कि इट विल रिक्वायर ए डिस्कशन. तो एटलीस्ट वो टाइम आप यूज कर सकते हैं अपने दूसरे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई के लिए. ओके, द हिंदू सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं लिखा जाता, वो और भी पर्पस है उसके. सो ऑलवेज आपके एग्जाम से रेलिवेंट न्यूज होगी, इट्स नॉट ऑब्वियस. ओके, चलिए हम लोग बात करते हैं पहले इंडिया नाइजीरिया की. प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे गए हुए हैं, इसमें से हम सिर्फ की पॉइंट्स लेंगे क्योंकि नाइजीरिया उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. क्यों गए प्राइम मिनिस्टर ये तो एक दो दिन बाद ही पता चलेगा, क्योंकि ऐसे कई कंट्रीज हैं जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीस, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जब गए आफ्टर 37 ईयर्स तो लोगों ने क्वेश्चन किया कि आप क्यों गए. ठीक है, और फिर उसके अगले ही दिन मिस्टर अडानी गए और वहां पर एक पोर्ट को लेकर डील हुई. अब नाइजीरिया क्यों गए इसके लिए एक दो दिन बाद पता चल जाएगा आपको अगर ऐसा कोई रीजन होगा. बाकी यूपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्या काम का है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ. फर्स्ट थिंग इज कुछ बातें बेसिक फैक्ट्स जानते हैं. फॉर एग्जाम्पल ट्रेड हमारे दोनों के बीच में बायलैटरल ट्रेड है 7.9 बिलियन डॉलर का. बट ऑफकोर्स हम लोग काफी सारा ऑयल परचेज करते हैं नाइजीरिया से, तो यहाँ पर बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो नाइजीरिया के फेवर में ज्यादा रहता है. और ओवरऑल हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो और ज्यादा डिक्लाइन हुए हैं पिछले कुछ साल में, थोड़ा बहुत भी नहीं, ऑलमोस्ट बाय 24% हमारे एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हुए हैं नाइजीरिया में. ओके, एंड ट्रेड में इंडिया इज एक्चुअली द सेकेंड लार्जेस्ट पार्टनर ऑफ नाइजीरिया. और फर्स्ट लार्जेस्ट कौन होगा वो ऑब्वियस है, पूरी दुनिया के लिए वही है, तो वो बताने की जरूरत नहीं है. सेकेंड इज इंडिया की तरफ से काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी जाता है नाइजीरिया में, विच इज एज हाई एज 27 बिलियन डॉलर. अलग अलग कंपनीज हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रही है, कोई एग्रीकल्चर में, कोई फ्लोरिकल्चर में, फ्लोरिकल्चर वहाँ पे काफी फेमस है, कोई ऑयल इंडस्ट्री में. बट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में हमारे लिए जो एक नेगेटिव पॉइंट है वो ये कि जब हम ऑयल्स की बात करते हैं तो दो चीजें होती है, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम. अब इस स्ट्रीम की बात होगी यानी कि हम कहीं ना कहीं कोई ऑयल फील्ड परचेज कर रहे हैं वहां पर. ठीक है, ऑयल का एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अप स्ट्रीम. डाउन स्ट्रीम यानी कि क्रूड ऑयल मिल गया, उसके बाद हम लोग उसकी रिफाइनिंग वगैरह कर रहे हैं और रिफाइन करके हम लोग पेट्रोल डीजल जैसी चीजें प्रोड्यूस करते हैं. तो डाउन स्ट्रीम में तो हम लोग वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं कि हमने वहां पे रिफाइनरी लगा दी, क्रूड ऑयल को फिर प्रोसेस कर रहे हैं, वो ठीक है. लेकिन अप स्ट्रीम में हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, या ये कह लीजिए कि उतना पॉलिटिकल क्लाउट नहीं रहा कभी इंडिया का कि वहां की जो ऑयल फील्ड्स हैं उनको हम लीज पर ले सकें या परचेज कर सकें, क्योंकि चाइना आज करता है स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू रेयर अर्थ एलिमेंट्स. ठीक है, अभी हम लोगों ने उस फील्ड में तो स्टार्ट किया है. बट नाइजीरिया के कॉन्टेक्स्ट में दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है. पहला कि ऑयल ट्रेड हम लोग उससे इतना ज्यादा कर रहे हैं वो हम लोग क्यों करते हैं, बिकॉज हमारा एक गोल ये भी है कि हमें डाइवर्सिफिकेशन करना है अपने ऑयल का, सिर्फ वेस्ट एशिया पे रिलाई नहीं करना है. हम लोग वेनेजुएला से भी ले रहे हैं, हम लोग अफ्रीकन कंट्रीज से भी ले रहे हैं, हम लोग थोड़ा बहुत इंडोनेशिया से भी लेते हैं, डाइवर्सिफिकेशन. क्योंकि एक रीजन में अगर कल को ट्रबल क्रिएट होता है या प्रॉब्लम आती है तो हमारे ऑयल इंपोर्ट पर, क्योंकि हम लोग 80% डिपेंडेंसी हमारी इंपोर्ट पर है, तो उस पर असर नहीं पड़ना चाहिए. तो इसके लिए ज्यादा जरूरी होगा कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो अपस्ट्रीम की तरफ डाइवर्ट हो रादर देन ओनली डाउनस्ट्रीम, राइट. तो ये दो चीजें जो शायद प्राइम मिनिस्टर की विजिट से इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि ये इंप्रूव हो सकती है. थर्ड थिंग इज हमारा डायस्पोरा. ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहां पे हमारा डायस्पोरा ना मिले, और नाइजीरिया में भी एज हाई एज 60,000 इंडियन ओरिजिन के पीपल रहते हैं यहां पर. तो और उसके अलावा यहां पर हम लोग जो भी असिस्टेंस इनको प्रोवाइड करते हैं इन फॉर्म ऑफ ग्रांट्स या जो भी हमें मदद करनी होती है इस कंट्री की, वो जनरली हम लोग कर रहे हैं बाय अफ्रीकन यूनियन, डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं. और इसीलिए शायद इनके साथ कभी हमारे रिलेशन उतने ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए. ठीक है, फिर मैं यहाँ पे आपको मैप लगाना भूल गया एक्चुअली नाइजीरिया का. बट नाइजीरिया ओपन होता है एक गल्फ में ओपन होता है, विच इज नोन एज गल्फ ऑफ गिनी.
तो वो इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा पायरेसी के इश्यूज देखे जाते हैं। तो अब ये देखते हैं कि आखिर हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर एक दूसरे को हेल्प करने के लिए। बट उससे पहले इस विजिट का विजिट क्यों इम्पोर्टेंट है वो जान लीजिए, क्योंकि ये पीएम मोदी की पहली विजिट है। ठीक है, इससे पहले वो कभी गए नहीं इतने साल में, ये पीएम मोदी की फर्स्ट विजिट है, तो ये हाईलाइट करता है एक इम्पोर्टेंस। और जब भी नाइजीरिया की बात होती है ना, ऑलवेज रिमेम्बर कि नाइजीरिया क्लेम करता है कि मुझे यूएनएसए में परमानेंट सीट दीजिए अगर आप साउथ अफ्रीका को भी दे रहे हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका क्लेम करता है कि हम एक कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से जो डिजर्व करता है, तो नाइजीरिया है वो उसका ये कहना है कि हमारी भी जरा क्वालिटीज देख लीजिए। और ये किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की 17 ईयर्स के बाद जाके कोई विजिट हुई है, तो कहीं ना कहीं नाइजीरिया का जो क्लाउड है वो एटलीस्ट कुछ हद तक तो बढ़ रहा है। फर्स्ट थिंग इज कि इट इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन अफ्रीका, एंड सेकेंड इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन अफ्रीका। राइट, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया कि 17 साल बाद कोई हमारे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर वहां जा रहा है। एंड थर्ड थिंग इज जो ये साउथ अफ्रीका को काउंटर करने के लिए कहते हैं जब यूएनएससी की बात आती है, दैट वी आर ऑल्सो ए मल्टी एथनिक डेमोक्रेसी। और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कोई डेमोक्रेसी सर्वाइव कर जाए ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। ठीक है, लेकिन मल्टी एथनिक डेमोक्रेसी है तो इनके साथ भी वो चैलेंजेस आएंगे जो इंडिया के साथ आते हैं। फॉर एग्जाम्पल गवर्नेंस इशू, राइट, डेमोक्रेसी में हमेशा रहेगा। दूसरा करप्शन, वो तो खैर सभी जगह है। और तीसरा टेररिज्म, कि मल्टी एथनिसिटी है तो हमेशा होगा कि कोई ना कोई एक कम्युनिटी या एक एथनिसिटी किसी दूसरे को टारगेट करना पसंद करेगी। और इसीलिए यहां पर मोस्टली न्यूज में रहता है बोको हराम, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो तीन चीजें अभी तक समझ में आई, एक तो मल्टी एथनिसिटी है, डेमोक्रेसी है। तो अब आप लोग अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में आपसे पूछूं कि इंडिया इसमें क्या कर सकता है, तो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में मदद कर सकता है, राइट, अदर देन ट्रेड ऑल्सो। बोको हराम यानी कि कहीं ना कहीं हम डिफेंस में कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि ऐसे इश्यूज की जो कहीं ना कहीं हम लोग आपस में म्यूचुअली एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, या एटलीस्ट इंडिया इनकी हेल्प कर सकता है। फर्स्ट थिंग इज डिफेंस। डिफेंस के रिस्पेक्ट में इसके चैलेंजेस क्या हैं नाइजीरिया के? एक तो बोको हराम का टेररिज्म वो चल रहा है यहां पर। ठीक है, कई बार लड़कियों को किडनैप कर लिया था, कुछ साल पहले न्यूज थी, 200 से ज्यादा स्कूल गर्ल्स को किडनैप करके और इधर उधर सेल आउट कर दिया था, राइट। दूसरा इनका चैलेंज है पायरेसी, ठीक है, एंड थर्ड है ऑयल थेफ्ट। ये सारे चैलेंजेस नाइजीरिया के लिए बने हुए हैं। अब इसमें इंडिया हेल्प कर सकता है यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू डिफेंस सप्लाई, क्योंकि हम लोगों का भी यहाँ पे गोल क्या है कि हमें अपने डिफेंस के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ाने, राइट, तो ये एक हमें आउटलेट मिल जाती है। दूसरा, यहाँ की जो डिफेंस फोर्सेस है इनको ट्रेनिंग देने में हम लोग मदद कर सकते हैं। एंड थर्ड थिंग इज कि ये सारी चीजें टैकल करने में, पायरेसी वगैरह टैकल करने में जरूरी हो जाती है रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, राइट। तो ये तीन चीजें हैं जो इंडिया डिफेंस में इनके साथ मदद कर सकता है। दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज इकोनॉमी। इकोनॉमी में हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, इस वक्त नाइजीरिया फेस कर रहा है दो चीजें। फर्स्ट इज फॉरेक्स रिजर्व क्राइसिस, इसके फॉरेक्स रिजर्व रैपिडली डिक्लाइन हो रहे हैं। और दूसरा इसके यहाँ इशू चल रहा है इन्फ्लेशन का, और इसके यहाँ इन्फ्लेशन चल रहा है एज हाई एज 32%। ठीक है, तो इन्फ्लेशन को रेगुलेट करने में क्या कर सकते हैं इनकी इनकी यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सकती है। किसके साथ? इन कोलैबोरेशन विद आरबीआई। जिस तरह आरबीआई ने हमारे यहाँ मैनेज करा है, उसी तरीके से इनके भी बैंकिंग ऑफिशियल्स और सेंट्रल बैंक के लोगों को ट्रेन किया जा सकता है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सकती है कि किस तरीके से आप इन्फ्लेशन को टैकल कर सकते हैं, राइट। फॉरेक्स रिजर्व क्राइसिस है तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम सीधे फॉरेक्स रिजर्व उठा के दे दें, नो, वो चीज सस्टेनेबल नहीं है, कब तक दोगे? ठीक है, ऐसा हम कई कंट्रीज को देते हैं बट उससे कुछ नहीं होता। दी थिंग इज कि हम लोग इनके यहाँ अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर सकते हैं ताकि इनके यहाँ फॉरेक्स रिजर्व आए। अभी इन्वेस्टमेंट हम लोग कहाँ बढ़ाना चाहते हैं? हम बढ़ाना चाहते हैं अप स्ट्रीम हाइड्रोकार्बन में, कि आप हमें अपने ऑयल फील्ड दीजिए लीज पर या फिर सेल कीजिए हमें। ठीक है, अप स्ट्रीम हाइड्रोकार्बन में हम लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं, इनको फॉरेक्स रिजर्व मिल जाएंगे और हमें अपनी जो ऑयल इम्पोर्ट है वो उसकी उसमें एक कंसिस्टेंसी मिलेगी कि ये हम ही एक्सप्लोर कर रहे हैं, माइन कर रहे हैं और यहाँ पर अपने इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड चीज हम लोग क्या कर सकते हैं इनके साथ? वो हम कर सकते हैं बार्टर अरेंजमेंट। नो, व्हाट व्हाट यू मीन बाय दिस? एक टाइम था मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के टाइम पर जब हम लोगों ने उनके साथ डील की थी कि आप हमें एक पार्सल ऑफ लैंड दीजिए फॉर ऑयल एक्सप्लोरेशन, ठीक है, और हम आपको उतना ही पार्सल ऑफ लैंड इंडिया में देंगे फॉर एग्रीकल्चर। ओके, उसे कहा था हमने बार्टर अरेंजमेंट, क्योंकि उनके यहाँ पर ऑयल इतना ज्यादा है कि उनकी जमीन में पानी नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। तो ठीक है, हमें ऑयल की जरूरत है, आपको फूड की जरूरत है,
ओके, तो आप हमारे यहाँ उतना लैंड ले लीजिए और एग्रीकल्चर कीजिए, और हमें आपके यहाँ उतना लैंड दे दीजिए जिससे हम ऑयल एक्सप्लोरेशन करें, वो होता है बाटा अरेंजमेंट। या फिर सीधी सी बात है कि आप हमें ऑयल सेल कीजिए और उसी कीमत का हम आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स या फूड प्रोडक्ट्स सेल करेंगे। उससे क्या होगा, एक तो आपके फॉरेक्स पे नहीं आएगा कि आपको अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कॉमोडिटीज इंपोर्ट करनी है तो फॉरेक्स रिजर्व में पे करना होगा, आपका सेव हो जाएगी फॉरेक्स रिजर्व। एट द सेम टाइम आपका इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ जाएगा क्योंकि आप यहाँ बार्टर ट्रेड कर रहे हो, ऑयल दे रहे हो और फूड कॉमोडिटी ले रहे हो, राइट। तो ये सेकेंड इशू है जहां पर हम लोग उनकी मदद कर सकते हैं। थर्ड इज थर्ड थिंग इज ट्रेड अनाउंसमेंट, नहीं वो इकोनॉमी की बात हो गई, ठीक है। और सेकेंड थिंग इज कैपेसिटी बिल्डिंग की ही बात आ जाती है। अब ये कैपेसिटी बिल्डिंग यानी कि हमारी सॉफ्ट डिप्लोमेसी का पार्ट है। अब इसमें हम लोग एक्सपर्टीज जो हमारे पास है वो इनके साथ शेयर कर सकते हैं, चाहे वो इन टर्म ऑफ आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, चाहे हेल्थ केयर हो या फिर एजुकेशन हो। और आपको पता होगा कि नाइजीरिया के करीब 7% ऐसे रहे हैं जो डिफेंस फोर्सेस से रिलेटेड थे और उनकी ट्रेनिंग इंडिया में ही हुई थी, राइट। और सिमिलरली ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो ये सब हमारी सॉफ्ट पावर का पार्ट बन जाता है। और एक पर्सन थे बहुत पहले, ऑलमोस्ट 1500 के अराउंड, जिनको इंडिया में नाम दिया गया बाबा घोर, ठीक है। ये एक जैम मर्चेंट हुआ करते थे जो नाइजीरिया से आके गुजरात में सेटल हुए थे, ठीक है। तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल लिंकेज भी है वहां पर, राइट। तो ये पूरा इशू आई होप आपको समझ में आया हो। बोको हराम यहाँ का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, ओके, अभी भी है इनफैक्ट, वो वहां की लड़कियां किडनैप करने के बाद न्यूज में आया था। तो ये पूरा इशू हुआ इंडिया नाइजीरिया का, आई होप आपको ये समझ में आया हो। चलिए, सो वी आर डन विद दिस फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, और यही सेम चीजें यहां भी लिखी हुई हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है दोनों के बीच में, डिफेंस एनर्जी ट्रेड में कोलैबोरेट कर रहे हैं, टेररिज्म सेपरेटिज्म पायरेसी ड्रग ट्रैफिकिंग, 60,000 का हमारा एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी है यहाँ पर। इसके अलावा हम लोग रिलीफ सप्लाई भी प्रोवाइड किया था इनको फ्लड्स के टाइम पर, बट अधिकतर हमारा अफ्रीकन यूनियन के थ्रू ही होता है यहाँ पे जो भी एंगेजमेंट होता है इस कंट्री के साथ, हम लोग उतना डायरेक्ट एंगेजमेंट करते नहीं है। दूसरा, दोनों ही चाहते हैं कि यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स हो, ठीक है। ये सारी बातें हमने कर ली। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं COP29 डिस्कशन, फ्लैगिंग नो प्रोग्रेस मेड ऑन इश्यूज क्रिटिकल टू डेवलपिंग कंट्रीज, ये कहना है इंडिया का। तो अब इसके रिस्पेक्ट में भी मैं आपको कुछ की पॉइंट्स देता हूँ जो आप एग्जाम में भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, एंड ये टॉपिक आपको समझने में हेल्प भी होगी। ओके, अभी तक आपने कितना समझ लिया कि हमने 1992 में क्या हुआ था, हमारा रियो अर्थ समिट, राइट। तीन चीजें निकल के आई थी, UNFCCC दैट इज क्लाइमेट चेंज पर, UNCBD इसकी भी कॉन्फ्रेंस अभी लेटेस्ट हुई थी और हमने इसके बारे में भी बात की थी इसके क्या आउटकम रहे, और दूसरा UNCCD दैट इज डेसर्टिफिकेशन। सभी की अपनी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, रेगुलरली होती रहती है। यूएनएफ क्लाइमेट चेंज की जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई तो इसमें जो इंपॉर्टेंट वंस हैं वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी COP3, जहां से निकल के आया था क्योटो प्रोटोकॉल, राइट, 1997 में। यहां पर इन्होंने क्या कहा था कि हम कंपलसरी एमिशन रिडक्शन करने होंगे आपको, और ये चीज लागू हुई थी सिर्फ डेवलप कंट्रीज पे। तो यूएसए ने तो माना नहीं था कि हम ऐसे कोई कंपल्शन नहीं मानेंगे, और यहां पे कलेक्टिव टारगेट रखा गया था दैट 4.2% का रिडक्शन करना होगा बाय 2012 फ्रॉम 1990 लेवल, ठीक है। ये टारगेट रखा गया था क्योटो प्रोटोकॉल में, बट उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, बात खत्म हो गई, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्लाइमेट चेंज के अंडर में हुई थी, कॉपेनहेगन अकॉर्ड इन COP15, ठीक है, यहां से निकल के आया था कॉपेनहेगन अकॉर्ड, ये हुई थी 2009 में। और यहां पे पहली बार वो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था कि हमें वर्ल्ड का जो क्लाइमेट है वो 2 डिग्री से नीचे रखना है। पहली बार बात हुई थी कि इस तरह का कुछ टारगेट वर्ल्ड को अपने सामने रखना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज इस अकॉर्ड से निकल के आई थी वो आया था फंडिंग मैकेनिज्म, ओके, जो आपका ग्रीन क्लाइमेट फंड वगैरह निकले वो यहीं से निकले थे कि फंडिंग तो प्रोवाइड करनी होगी स्पेशली जो वल्नरेबल कंट्रीज हैं उनको, और यहां पर लेकिन लेकिन कोशिश तो की गई थी कि एक बाइंडिंग ट्रीटी लेकर आए, बट बाइंडिंग ट्रीटी नहीं बना पाए हम लोग कि फंडिंग मैकेनिज्म स्टैब्लिश करने के लिए, कि एक बाइंडिंग फंडिंग मैकेनिज्म स्टैब्लिश किया जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ से ग्लोबल ग्रीन एनवायरनमेंट फंड वगैरह स्टैब्लिश हुए तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया, और पहली बार यहाँ पे वर्ल्ड ने बात की कि वर्ल्ड को एक टारगेट सेट करने की जरूरत है कि 2 डिग्री से नीचे हमें लिमिट करना है, ठीक है। 2009 में ये चीजें हुई। उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड हम लोग आगे चलते हैं टू COP21। COP21 ये कब हुआ, 2015 में, और यहां से एक लैंडमार्क एग्रीमेंट निकल के आया जिसे हमने कहा पेरिस एग्रीमेंट।
यहाँ पे वर्ल्ड ने कहा कि हमें 2 डिग्री तक लिमिट रखनी होगी, और अगर कोशिश करें, कोशिश यही होनी चाहिए कि 1.5 डिग्री से नीचे रखा जाए, बट एट द सेम टाइम हर कंट्री को अपने कुछ नेशनली डिटरमिंड कॉन्ट्रीब्यूशन सबमिट करने होंगे। हालांकि ये भी लीगली बाइंडिंग नहीं होंगे और ये वॉलेंट्री रहेगा, हर कंट्री अपने सबमिट करेगी और फिर उसकी प्रोग्रेस इवेल्युएट की जाएगी। ठीक है, इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग बट वॉलेंट्रीली। ठीक है, ये निकल के आया पेरिस क्लाइमेट से। अब इस पेरिस क्लाइमेट के अंडर में ही एक और इंपॉर्टेंट टर्म था अंडर आर्टिकल 6, ठीक है, जो कि था विद रिस्पेक्ट टू कार्बन ट्रेडिंग, उसकी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले 2 समिट और हो चुके हैं इसके पहले जो हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है। वन वॉज इन 2021 COP26, ये समिट हुआ 2021 में, ग्लासगो समिट के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, ग्लासगो समिट के नाम पे यहां पे 2 कमिटमेंट की गई। फर्स्ट इज दैट वी विल रिड्यूस दी कोल यूसेज, यानी कि पहली बार कोल पे फोकस किया वर्ल्ड ने। ठीक है, इससे पहले हम लोग ओवरऑल क्लाइमेट की बात कर रहे थे बट स्पेसिफिकली कोल के यूसेज को कम करने की बात नहीं की गई, वो यहीं पे की गई। बट अब ये याद कीजिए, रखिएगा कि यहाँ पे कोल यूसेज रिड्यूस करने की बात की गई, ये फेज आउट करने की बात नहीं हुई, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्रीज को ऑब्जेक्शन था कि फेज आउट की बात क्यों कर रहे हो, हमारी तो 70% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन उससे हो रहा है, आप लोगों ने तो कोल के थ्रू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कर लिया यूरोप में अमेरिका में, फिर आप हम पे ये कंडीशन इंपोज नहीं कर सकते, कोल हमारे लिए अभी जरूरी है। ठीक है, हम सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी या न्यूक्लियर के थ्रू नहीं चल सकता, तो यहाँ पे फेज आउट वर्ड यूज नहीं होने दिया था इंडिया ने। ठीक है, लेकिन फेज आउट करने की बात की गई बट वो की गई थी विद रिस्पेक्ट टू इनएफिशियंट फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज। ओके, ये दूसरा टारगेट यहां पे सेट किया गया था दैट वी विल फेज आउट द इनएफिशिएंट फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज, राइट। यानी कि आप जैसे कैरोसिन पे हमारे यहां सब्सिडी दी जाती थी, फॉसिल फ्यूल है, पॉल्यूशन भी करता है, राइट लेकिन उस पे जो सब्सिडी थी उसको फिर धीरे धीरे खत्म किया गया। तो इस तरह की जितनी भी इनएफिशिएंट फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज दी जा रही है उनको फेज आउट करेंगे। तो ये 2 बातें इंपॉर्टेंट निकल के आई थी यहां से, दिस वॉज नंबर 1, दिस वॉज नंबर 2। ठीक है, यहां पे रिडक्शन करने की बात हुई थी, फेज आउट करने की बात नहीं हुई थी। फेज आउट हम लोग करेंगे लेकिन हम करेंगे सब्सिडीज को फेज आउट। ओके, ये सब हुआ ग्लासगो समिट 2021 अंडर COP26। इसके बाद हुई हमारी COP28। ये जो COP28 हुई ये अभी लास्ट ईयर ही हुई है 2023 में। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई थी लॉस एंड डैमेज फंड। ठीक है, यहाँ पे लॉस एंड डैमेज फंड बनाने की बात की गई और ये कहा गया कि हम लोग एक सपोर्ट मैकेनिज्म तैयार करेंगे उन कंट्रीज के लिए जो क्लाइमेट डिजास्टर के लिए ज्यादा वल्नरेबल हैं। ठीक है, जिन पे क्लाइमेट चेंज की ज्यादा मार पड़ रही है उन कंट्रीज के लिए, राइट। तो ये सारी चीजें अभी तक हो चुकी हैं अंडर दी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग वॉज, यहां पे मैंने आपसे आर्टिकल 6 की बात की थी, पेरिस समिट से निकला था। इस आर्टिकल 6 में अब ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई है दैट इज COP29, ठीक है, बाकू अजरबैजान, यहां पे आर्टिकल 6 के अंडर में 2 सब आर्टिकल्स ऐड किए गए, विच इज फर्स्ट इज आर्टिकल 6.2। ये बात करता है, पहले तो आर्टिकल 6 क्या था हमारा, कार्बन ट्रेडिंग को लेकर। एक कंट्री जो ज्यादा एमिशन कर रही है, दूसरी कंट्री जो कम एमिशन कर रही है, तो ये आपस में ट्रेडिंग करेंगे ताकि ऑफसेट हो जाए। जैसे प्रीलिम्स में एक बंदा 102 नंबर ला रहा है, दूसरा 98 ला रहा है, कट ऑफ 100 गया है, तो ये अपने 2 एक्स्ट्रा मार्क्स इसको दे देगा और दोनों पास हो जाएंगे। वैसी ही चीज कार्बन ट्रेडिंग में होगी, जो ज्यादा कार्बन एमिशन कर रहा है वो जो कम कार्बन एमिशन कर रहा है, जिसके 98 यूनिट हुए हैं और जिसके 102 यूनिट हुए हैं, ये आपस में एक बायलेटरल मैकेनिज्म सेटअप करेंगे। 102 वाला 2 कार्बन क्रेडिट खरीद लेगा 98 वाले से और दोनों आ जाएंगे 100 100 पे, जो कि उनकी सपोज कोटा लिमिट थी। ओके, तो इसी में कार्बन ट्रेडिंग में बनाया गया सब क्लॉज 6.2 जो बात कर रहा है बायलेटरल मैकेनिज्म की 2 कंट्रीज के बीच में। तो यहां पर क्या प्राइसिंग होगा क्या नहीं, ये दोनों कंट्रीज अपने खुद के टर्म्स एंड कंडीशन खुद डिसाइड कर सकते हैं, दिस इज द डिफरेंस। एक और है 6.4 जो कि बात कर रहा है कि ये मल्टीलेटरल यानी ग्लोबल लेवल पर होगा और यहां पे जो सारे टर्म्स एंड कंडीशन होंगे वो कौन सेटअप करेगा, यूएन। ओके, ये होगा यूएन मैनेज सिस्टम अंडर आर्टिकल 6.4। ठीक है, तो ये दोनों चीजें निकल के आई है COP29 से, ये समझ में आया। ओके, अब यहां पर इश्यूज क्या रहे, फिर आखिर इश्यूज फिर भी रह गए क्योंकि डेवलप कंट्रीज अभी भी इसमें ज्यादा सीरियस नहीं है। फर्स्ट इज क्लाइमेट फाइनेंस,
नाउ यू नो कि क्योटो के टाइम पर बात की गई थी कि सभी कंट्रीज 100 बिलियन डॉलर तक का, डेवलप कंट्रीज, ये जो डेवलप कंट्रीज हैं ये 100 बिलियन डॉलर तक की फंडिंग प्रोवाइड करेंगी डेवलपिंग कंट्रीज को, ठीक है। और इन्होंने कहा कि हमने टारगेट अचीव कर लिया, बट इन्होंने इसमें क्या किया कि जो इन्वेस्टमेंट आया, सपोज सपोज यूएसए से कोई सोलार प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट आया इंडिया में, ठीक है। अब वो इन्वेस्टमेंट है प्राइवेट, ठीक है, वो कोई, वो आया है इन द फॉर्म ऑफ लोन, तो वो तो इंडिया को वापस चुकाना ही पड़ेगा। सपोज कि यहां से मान लीजिए, चलिए 1 बिलियन डॉलर का एक प्रोजेक्ट आता है यूएस की किसी प्राइवेट कंपनी से, सपोज, या यूएस की, चलिए गवर्नमेंट भी मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है, बट ये आया इन द फॉर्म ऑफ लोन, तो ये तो इंडिया को वापस से देना पड़ेगा ना। आप इसको 100 बिलियन डॉलर में कैसे काउंट कर सकते हो? ये तो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना था डेवलपिंग कंट्रीज को, राइट। तो ये माइंड गेम खेला इन सभी कंट्रीज ने। इन्होंने कहा कि हमने 110 बिलियन डॉलर तक का सपोर्ट दे दिया इस साल, मतलब पिछले साल, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्रीज से मानने को तैयार नहीं, कि उनका ये कहना है कि ये जो आप लोन के फॉर्म में पैसा आया, चाहे वो प्राइवेट कंपनी से आया हो या वहां की पब्लिक कंपनी, यानी गवर्नमेंट कंपनी से आया हो, इनने दोनों ही जो इन्वेस्टमेंट आए डेवलपिंग कंट्रीज में, इस इन्वेस्टमेंट को इन्होंने काउंट कर लिया है 100 बिलियन डॉलर के फंड में और कह दिया कि हमने अचीव कर लिया। ओके, तो ये बिल्कुल डेवलपिंग कंट्रीज को बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर पिछली बार जो सबमिट हुआ था COP28, उसमें एक और चीज क्या निकल के आई थी, दैट इज न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। ये कुछ नहीं है NCQG, इट इज एक्चुअली ए न्यू फॉर्म ऑफ दिस 100 बिलियन डॉलर फंड। इसी के अंडर में हमने एक न्यू फंड बनाया, हालांकि इसमें कितना, इसका साइज कितना होगा, इस पे क्वेश्चन मार्क था, जो कि डिस्कस हुआ COP29 इस साल, लेकिन अभी भी इसको ये लोग फाइनलाइज नहीं कर पाए, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर अभी भी इश्यू बना हुआ है। यहाँ पे जो क्वांटिफाइड गोल था उसके रिस्पेक्ट में इन्होंने कोई बात नहीं की, और काफी कंट्रीज के अगेंस्ट भी थी, क्योंकि इस पे कॉन्ट्रोवर्सी ये है कि साइज क्या होगा इसका। कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज क्लेम कर रही है कि 1 ट्रिलियन डॉलर चाहिए हर साल, ठीक है। और एक एक और ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 77 कंट्रीज, ये वो कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं टुवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज। इनके साथ और भी ज्वाइन किया हुआ है, इंडिया ने भी ज्वाइन किया, चाइना ने भी किया है, बट ये कंट्रीज कह रही है नहीं, 1 ट्रिलियन डॉलर भी काफी नहीं है, 1.3 ट्रिलियन डॉलर दीजिए, और ये सब डेवलप कंट्रीज दें हमें। तो डेवलप कंट्रीज बिल्कुल मूड में नहीं है कोई पैसे देने के, क्योंकि उनकी खुद की इकॉनमी में इन्फ्लेशन चल रहा है। तो फर्स्ट थिंग इज कि साइज को लेकर इशू था, दूसरा कंट्रीब्यूशन को। डेवलप कंट्रीज का कहना है कि मान लिया इंडिया चाइना हमारे बराबर नहीं है, बट इंडिया चाइना भी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, तो वो भी इसमें कंट्रीब्यूशन करें, ठीक है, तो करना भी चाहिए वो, तो ठीक है, साइज को लेकर, कंट्रीब्यूशन को लेकर। फिर टाइप्स कि किस फॉर्म में जाएगा यहां से पैसा, ये लोन के फॉर्म में जा सकता है, ग्रांट्स के फॉर्म में जा सकता है, या जो डेवलपिंग छोटी कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करोगे उनमें, किसको कितना दोगे। फिर कवरेज पीरियड क्या होगा इस फंड का, कि कितने साल तक हमें ये फंडिंग प्रोवाइड करनी होगी, राइट। ये चार मेजर इश्यूज रहे जिस वजह से ये इस पर जो क्वेश्चन मार्क था वो अभी भी एज इट इज है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल के आया है। ऑलराइट, तो ये पूरी बात हो गई है हमारी COP29 की, और इस यूएनएफ क्लाइमेट फंड में जितने भी अभी तक डेवलपमेंट हुए हैं मेजर मेजर, COP3, COP15, COP20, COP21, COP28 एंड COP29, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही चीज अच्छी हुई इस साल, दैट इज इसके दो सब आर्टिकल्स तैयार किए गए कार्बन मैकेनिज्म को लेकर, बट जो सबसे बड़ा इशू था NCQG का, उसमें ये चार इशू अभी भी परसिस्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, सो वी आर डन विद दिस टॉपिक एज वेल। आर्टिकल में देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया है। इंडिया ने इसको क्रिटिसाइज किया है, दैट COP29 इन बाकू, इंडिया एक्सप्रेस इट्स फ्रस्ट्रेशन विद डेवलप कंट्रीज नॉट सीरियसली डिस्कसिंग सपोर्टिंग क्लाइमेट एक्शन इन डेवलपिंग नेशंस। ओके, ना तो वो फाइनेंस देने को तैयार है, ना ही वो कोई टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देने को तैयार है। अब इसमें से आपको एक प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन बन सकता है, उस पर ध्यान दीजिए मेजरली। फर्स्ट इज कि यहां पर एक सब्सिडरी बॉडी बनाई गई है इसी के अंडर में, विच इज नोन एज मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज कि मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम पे अगर क्वेश्चन आता है तो वो क्या है, इट इज अ सब्सिडरी बॉडी अंडर दिस क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, ठीक है। COP29 के 9 में ये न्यूज में आई। इसके अलावा फाइनेंशियल सपोर्ट डिमांड करती हैं डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप से, टेक्नोलॉजी डिमांड करती हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग भी डिमांड करती हैं, दैट इज हमारी मैन पावर को उतना ट्रेन किया जाए कि वो इन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर सके। अब ये जो हमारी ये जो बॉडी है, ये कब क्रिएट हुई थी, ये क्रिएट हुई थी COP27 में, और समिट कहाँ हुआ था, शर्म अल शेख इजिप्ट में, और गोल किस पे था, मिटिगेशन पे। अब इसमें सेकंड पॉइंट, ठीक है, पहला तो हो गया कि ये बॉडी कहाँ क्रिएट की गई है, तो इट इज क्रिएटेड अंडर दिस कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम। कल को दे दिया जाए कि बायो सीबीडी के अंडर क्रिएट हुई, तो नो, दैट विल बी रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है, सीसी के अंडर हुई है क्लाइमेट चेंज के अंदर। और कब क्रिएट हुई, दिस इज सेकंड पॉइंट, ये इजिप्ट में जो समिट हुआ था COP27 उसमें क्रिएट हुई। एंड थर्ड पॉइंट जो आपसे गलती कराएगा वो है
कि इट इज नॉट सपोज टू क्रिएट न्यू टारगेट्स और फोर्स एनी कंट्रीज टू टेक स्पेसिफिक एक्शन। अगर आपको पॉइंट दिया जाए कि इसके अंदर न्यू टारगेट सेट किए जाएंगे मिटिगेशन के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट सपोज टू क्रिएट न्यू टारगेट्स, ये तीनों पॉइंट्स याद रखिएगा। ये प्रॉब्लम से पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस है, क्योंकि पहले भी IUCN के अंडर में एक सब बॉडी हुआ करती थी, उस पर क्वेश्चन आया था 2023 में, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम, फर्स्ट पॉइंट बॉडी अंडर UN फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज, सेकेंड पॉइंट COP27 के टाइम पे क्रिएट हुई थी ये, एंड थर्ड पॉइंट इसमें कोई न्यू टारगेट सेट नहीं किए जाएंगे। ऑलराइट, सो ये दो टॉपिक हो गए हमारे कवर। हम आगे चलते हैं, और क्या है न्यूज में काम का, ये पॉलिटिकल न्यूज और ये सब छोड़िए। ये कलिंग सर्व, जिसको कालिया नाग कहा जाता था पुराने जमाने में, उसको लेकर कुछ न्यूज थी, बट इतनी कुछ काम की नहीं है। इसके फोर लीनिएज हैं बस, एक वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, एक इंडो चाइनीज, इंडो मलेशियन, एंड द लीनिएज ऑफ लुजोन आइलैंड इन फिलीपींस आर्किपेलागो। चार जगह पे पाया जाता है मोस्टली, बट मुझे इतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं कि वो एग्जाम में पूछा जाएगा। इंडिया बांग्लादेश को लेकर इशू है, तो ये ऑलरेडी मैं मेंस में कवर कर चुका हूँ, सो आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट। और वैसे भी अभी वहाँ काफी ट्रबल चल रहा है, तो ऐसा कुछ नया हो भी नहीं रहा है। ओके, दो चीजें यहाँ पर। फर्स्ट थिंग इज इंडिया कंडक्ट हिस्टोरिक फ्लाइट टेस्ट ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल विथ रेंज ऑफ 1500 किलोमीटर। अब मैं आपको दो चीजें अच्छे से समझा चुका हूँ। फर्स्ट थिंग इज कि ये स्पीड पे बेस्ड जो इनका क्लासिफिकेशन है, ठीक है, सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ठीक है, ये मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं। दैट इज वन पॉइंट जो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। सेकंड इज क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल में जो डिफरेंस होता है, वो भी आपके साथ पहले डिस्कस किया जा सकता है, किया जा चुका है, ठीक है। तो यहां से जब भी इस तरह के टेस्ट की खबर आती है ना, आपको सिर्फ दो ही चीजें जाननी है, ये सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, इनमें डिफरेंस, और दूसरा इनके एग्जाम्पल भी जो हमारे यहाँ मिसाइल्स हैं, और दूसरा कि ये क्रूज और बैलिस्टिक इन मिसाइल में फर्क क्या होता है, किसको डिटेक्ट करना कितना आसान है, कितना मुश्किल है, और क्यों है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूँ, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। यहाँ पे इंडिया ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है। इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये होती है कि एक तो ये मैन्यूवर कर जाते हैं, ठीक है, ये अपना पाथ चेंज कर सकते हैं, तो इनको डिटेक्ट करना उतना ज्यादा आसान नहीं होता। और दूसरा, ये ट्रेवल करते हैं एट द स्पीड ऑफ Mach 5, तो जो डिफेंस सिस्टम भी आपने बना रखा है वो इनको रोक पाएगा या नहीं रोक पाएगा, उसकी भी कोई श्योरिटी नहीं होती है, ठीक है। ये दो सबसे बड़े इश्यूज हैं, और यही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है हाइपरसोनिक मिसाइल्स की, इसे इंडिया इनमें इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। हाइपरसोनिक वेपन्स आर मैन्युवरेबल वेपन्स दैट कैन फ्लाई एट अ स्पीड ऑफ एटलीस्ट 5 Mach। दे कैन परफॉर्म मैन्यूवर्स मिडवे, ऐसा नहीं है कि लॉन्च करते टाइम हमने जो पाथ चूज कर लिया है उसी पे जाएगा, नहीं, ये बीच में अपना रास्ता बदल सकता है अगर उसको रोकने की कोशिश की जा रही होगी तो। विच कंबाइंड विद देयर हाई स्पीड मेक देयर डिटेक्शन एंड इंटरसेप्शन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। दिस मीन्स दैट रडार्स एंड एयर डिफेंस कैन नॉट डिटेक्ट दैम टिल दे आर वेरी क्लोज एंड गेट लिटिल टाइम टू रिएक्ट। ओके, सो ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, वी आर नॉट गोइंग इन टू दैट। दूसरा, यहाँ पे बात हो रही है तुना फिश की, ठीक है। तुना फिश को लेकर मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था जब ये गुजरात के रिस्पेक्ट में आया था, तो हम इसको क्विकली एक बार फिर से देख लेते हैं। तुना फिश, इट बिलोंग्स टू Tunus genus of ocean dwelling ray fined bonefish। इमेज आप देख ही सकते हैं यहाँ दी हुई है, ये बड़ी, इसकी ना काफी ज्यादा डिमांड होती है, मतलब इसके प्राइस भी बहुत अच्छे मिलते हैं इन लोगों को, ठीक है। गुजरात के अराउंड ये ज्यादा पाई जाती है हमारे यहाँ। दूसरा, अब जो फैक्ट्स आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं, दे इनहेबिट बोथ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट वाटर, दिस इज द फर्स्ट थिंग, एंड दे आर ऑल्सो नोन फॉर देयर लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन अक्रॉस ओशन, ठीक है। ये इनकी स्ट्रेंथ है कि काफी दूर तक माइग्रेट कर सकती हैं। इसकी जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज है उसमें 5 इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज स्किप जैक, एल्बाकोर, येलोफिन, ब्लूफिन एंड बैगनाइन, ठीक है। इसके अलावा तुना, ओपा एंड मैक्रल शार्क्स आर ओनली फिश स्पीशीज दैट कैन मेंटेन ए बॉडी टेम्परेचर हायर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग वाटर, ठीक है। यहाँ पे ये तीन ही हैं इस पूरे जीनस में जो अपना बॉडी टेम्परेचर आसपास के टेम्परेचर से ज्यादा रख सकती हैं। ओके, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है इनका, क्योंकि प्राइसेस बहुत अच्छे मिल जाते हैं। दूसरा, ये मिलती है हमें पैलेगिक जोन में। नाउ व्हाट इज दिस पैलेगिक जोन, ठीक है। पैलेगिक जोन वो होता है, वो ओशन में भी मिलेगा आपको, लेक्स वगैरह में मिलेगा, यानी कि वो बॉटम जो ओशन का बॉटम है एकदम, या लेक का बॉटम सरफेस है, ठीक है, उसके भी ज्यादा क्लोज नहीं होती, लेकिन वो शोर के भी ज्यादा करीब नहीं होती, कहीं ना कहीं मिडवे मिलती है, और उसी को हम लोग कहते हैं पैलेगिक जोन। ओके, तुनास अलोन कॉन्ट्रीब्यूट टू एनुअल ट्रेड ऑफ अराउंड $41 billion, आप देख ही सकते हैं कि कितना रिच है, और न्यूट्रिशनल वैल्यूज की बहुत ज्यादा है, विटामिन B12 इसमें मिलता है, विटामिन D, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स।
अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जनरली मिलेगी नहीं हर जगह, दैट इज इंडियन ओशियन तुना कमीशन। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, कंसीव्ड इन 1993 एंड एंटर इनटू एग्जिस्टेंस इन 1996। फंक्शन क्या है? वही एज यूजुअल, टू कोऑर्डिनेट रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ तुना इन इंडियन ओशियन। एंड देयर आर 30 मेंबर्स इन दिस बॉडी एज ऑफ 2023। इंडिया इज ए मेंबर एंड इसका हेडक्वार्टर है सैचलिस विक्टोरिया में। इट इज द सक्सेसर ऑफ इंडो पैसिफिक तुना डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम जो एस्टैब्लिश हुआ 1982 में। ठीक है, तो ये तुना फिश के बारे में कुछ बेसिक्स जानना जरूरी था। अब इनमें प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी? वही है जो पूरी तरीके से फिशरीज का जो पूरा सेक्टर है उसमें जो प्रॉब्लम्स है वही इनकी भी प्रॉब्लम्स है। ओके, तो इसी के लिए गवर्नमेंट लेकर आई मत्स्य संपदा योजना। उसके अंदर दोनों दोनों दो डायमेंशन है उसके, एक जो सेंट्रल सेक्टर है और दूसरा जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है। ठीक है, स्पॉन्सर्ड वाले में स्टेट गवर्नमेंट को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। ठीक है, वो स्कीम कभी अलग से डिस्कस करेंगे, आज नहीं। सेकंड इश्यूज वही है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इनके स्टोरेज वगैरह के लिए, लिमिटेड एक्सेस टू मॉडर्न फिशिंग टेक्नोलॉजीज एंड इनएडिक्वेट फिश प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटीज। इस वजह से इनका जो ट्रेड है वो और ज्यादा बेटर हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। देयर इज लैक ऑफ मॉडर्न फिशिंग टेक्नोलॉजीज हैम्पर द एबिलिटी टू ऑप्टिमाइज तुना कैच रेट। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपके साथ मेंस में एक वीडियो डिस्कस किया था ऑन ब्लू इकोनॉमी, उसमें मैंने आपके साथ ये सारी बात की थी कैसे हम ये अपने मैराइन रिसोर्सेज की, इतनी लंबी कोस्ट लाइन है हमारे पास, पूरा वास्ट इंडियन ओशन पड़ा है, तो फिर हम लोग किस तरीके से अपनी ब्लू इकोनॉमी को उतना ज्यादा बूस्टअप कर सकते हैं। ओके, तो वो मेंस 450 प्लस से मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। मत्स्य संपदा योजना है तो वो मैं आपके साथ किसी और लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा, आज नहीं, क्योंकि अभी एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करना है हमें। अच्छा, यहां पर ना 20 को लेकर कुछ इश्यू है, इसको इशू को छोड़िए आप। अब बस एक वर्ड है यहां पर जो आपके एग्जाम्पल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस बिटवीन मैनेज हनी बीज, जो आप पशु जो पालन करते हैं इसका। ठीक है, एंड सेकेंड इज वाइल्ड पॉलिनेटर्स, ए प्रोसेस कॉल्ड पैथोजन स्पिल ओवर और स्पिल पैक। ठीक है, ये वर्ड अगर कल को पूछ लिया जाए, जैसे वैगल डांस पूछा गया था। ओके, द ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस बिटवीन मैनेज हनी बीज एंड वाइल्ड पॉलिनेटर्स, ए प्रोसेस कॉल्ड पैथोजन स्पिल ओवर और स्पिल पैक। ओके, तो ये बात यहाँ पे सिर्फ एक टर्म मुझे काम का लगा था। दूसरा, इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया होस्ट मोर देन 700 बी स्पीशीज, जिसमें से 4 इंडिजिनस हनी बीज हैं, और इनके नाम है एशियाटिक हनी बी, जाइंट रॉक बी, डॉर्फ हनी बी एंड स्टिंगलेस बी। वेस्टर्न हनी बीज वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1983 टू इंक्रीज द कंट्रीज हनी यील्ड। ठीक है, तो ये जो वेस्टर्न हनी बी है ये भी इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया अलग से, बाकी नेचुरली उतना ज्यादा मिलता नहीं है। इंडिजिनस से हमारे पास ये 4 ही हैं जिनके नाम आपके सामने हैं। ओके, बाकी ये स्पिल ओवर स्पिल बैक क्या है ये पूछा जा सकता है आपसे। ये जब पैथोजेंस वगैरह का अगर ट्रांसमिशन होता है बिटवीन द वाइल्ड एंड द मैनेज वन, उसी को कहते हैं हम लोग स्पिल ओवर या स्पिल बैक, पैथोजन स्पिल ओवर या पैथोजन स्पिल बैक। ओके, नाउ बुलडोजर जजमेंट, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट इशू है। तो फर्स्ट थिंग इज कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां से जो जजमेंट दिया है तो उसमें क्या गाइडलाइंस दिए हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। ओके, और फिर अगर आपने मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को लेकर और फिर इसके पीछे का जो रैशनल था या गवर्नमेंट के जो पॉइंट्स थे कि उनको क्या लगता है उसके बारे में। तो हम लोग गाइडलाइंस को डिस्कस करने से पहले, चलिए पहले गाइडलाइन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे हम इनके रैशनल और गवर्नमेंट के आर्ग्यूमेंट्स। फर्स्ट थिंग इज सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि आपको नोटिस पीरियड देना होगा। दी अथॉरिटीज मस्ट प्रोवाइड एटलीस्ट 15 डेज नोटिस बिफोर एनी डिमोलिशन। एंड ये 15 डेज का पीरियड स्टार्ट कब होगा? इट विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट द ओनर रिसीव द नोटिस। क्योंकि कई बार क्या किया जाता है, जब पॉलिटिकल रिवेंज में खासकर करना होता है, ये लोग नोटिस निकाल तो देते हैं ऑफिस से, लेकिन ये जाकर उस आदमी के हाथ में या उसके घर पे या उसके दरवाजे पर तब तक नहीं चिपकाते हैं जब तक कि सेम डे डिमोलिशन की डेट ना आई हो। सपोज 15 को ये नोटिस निकला, ठीक है, ये 30 तक नोटिस देंगे नहीं, फिर रात को जाके चुपचाप उसके गेट पे लगा देंगे और अगली सुबह आके आप बुलडोजर लेके आ जाते हो और आप क्या कहते हो कि आपको तो 15 को ही नोटिस पहुंचा दिया गया, लेकिन ये नोटिस उसको दिया नहीं जाता है। इसी यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये 15 डेज का जो पीरियड है ये स्टार्ट होगा उस दिन से जब ओनर को वो नोटिस मिल चुका होगा। ऑलराइट, ये पॉलिटिकल वेंडेटा में इस तरह की चीजें की जाती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसका ध्यान रखा है बिल्कुल। सेकंड थिंग इज कंटेंट ऑफ नोटिस, द नोटिस मस्ट डिटेल द रीजन फॉर डिमोलिशन एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड ऑफर ए डेट फॉर ए पर्सनल हियरिंग टू अलाउ द ओनर टू कंटेस्ट द एक्शन।
अब सपोज कि किसी ने बाकी में कुछ ऐसा अपने घर का कोई पोर्शन सपोज मेन रोड पे निकाल रखा है यहां तक सपोज, ठीक है, तो उसमें आपको प्रॉपर एक तो रीजन देना होगा कि देखिए हम आपको ये डिमोलिशन करने चाह रहे हैं क्योंकि ये मेन रोड की जगह है जिसमें आपने ऑलमोस्ट अपने घर का एक कमरा निकाल रखा है। ऐसा कई जगहों पे हो रहा है, ठीक है, लोगों ने बहुत एनक्रोचमेंट कर रखा है मेन रोड पर, उस वजह से क्या होता है कि जो रोड है वो नैरो हो जाती है और फिर इस नैरो रोड की वजह से या तो ट्रैफिक कंजेशन होते हैं या फिर एक्सीडेंट्स होते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहां पर आप रीजन दीजिए कि आप क्यों तोड़ना चाहते हो। उसके अलावा आप पहले हमें एक तारीख दीजिए कि हम पर्सनल आके ये आपको पूछ सकें कि आप ये क्यों तोड़ना चाह रहे हो, या हम अपना आर्ग्यूमेंट रख सकें कि हमारे पास पेपर्स हैं, ये प्रॉपर हमारे ही एरिया में बना हुआ है, ठीक है। तो ये दो चीजें करनी होंगी, दे शुड गिव यू द रीजन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और दूसरा एक पर्सनल हियरिंग दीजिए ताकि हम आके कंटेस्ट कर सकें इस चीज को कि आप जो कर रहे हो सही है या गलत है। थर्ड इज कम्युनिकेशन विद ऑफिशियल्स। अपॉन इशूइंग द नोटिस ऑफिशियल मस्ट इन्फॉर्म द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और लोकल कलेक्टर वाया ईमेल विद एन ऑटोमेटिक एक्नॉलेजमेंट टू प्रिवेंट द बैक डेटिंग एलिगेशन, ठीक है। यहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी अगर इस तरह का नोटिस जारी करते हैं तो उनको इन्फॉर्म करना होगा वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और लोकल कलेक्टर को वाया ईमेल कि हम इस तरह का कोई एनक्रोचमेंट है वहां पर, उसको तोड़ना चाहते हैं, ठीक है। दीज आर दी थ्री इशूज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा विद रिस्पेक्ट टू नोटिस रिक्वायरमेंट। सेकेंड उसने बात की हियरिंग एंड फाइनल ऑर्डर की, तो यहां पर इसने कहा अथॉरिटीज मस्ट होल्ड ए हियरिंग एंड रिकॉर्ड द प्रोसीडिंग्स। अब अगर मैं वहां पे जा रहा हूं अथॉरिटीज के पास कि आपने मुझे हियरिंग के लिए बुलाया था, मैं यहां पे अपने आर्ग्यूमेंट रखना चाहता हूं, तो उसको आप रिकॉर्ड कीजिए प्रोसीडिंग्स की पहले तो, ठीक है। सेकेंड थिंग इज कंटेस्ट ऑफ फाइनल ऑर्डर। नाउ द फाइनल डिमोलिशन ऑर्डर मस्ट एक्सप्लेन व्हाई द केस कैन नॉट बी रिजॉल्व विदाउट डिमोलिशन एंड स्पेसिफाई इफ द एंटायर और ओनली पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी विल बी डिमोलिश एंड इट मस्ट मस्ट ऑल्सो जस्टिफाई व्हाई डिमोलिशन इज द ओनली वायल ऑप्शन, ठीक है। यहां पर फाइनल ऑर्डर जो आएगा उसमें अथॉरिटीज पे कुछ जिम्मेदारियां डाली गई हैं। फर्स्ट पहले आप ये बताइए कि देखिए ये डिमोलिशन करना बहुत जरूरी है, इसके बिना काम नहीं हो पाएगा। सपोज हम लोग मान लेते हैं कि एक रोड है उसको हमें 4 लेन बनाना है, लेकिन यहाँ पे पहले से किसी ने एक मस्जिद या फिर मजार या फिर एक छोटा सा टेम्पल बना दिया था, ठीक है, तो हमें इसको हटाना बहुत जरूरी है। तो यहां पर आपको पहला ये बताना होगा कि देखिए डिमोलिशन मस्ट है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता क्योंकि इस रोड को 4 लेन करना जरूरी है, यहां पर ट्रैफिक कंजेशन बार बार हो रहा है, ठीक है, एक सिंपल सा केस लेते हैं हम लोग। दूसरा कि ये मंदिर अगर मान लो बड़ा है या मस्जिद या मजार बड़ी है तो क्या हम सिर्फ इसका कोई पार्ट डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या फिर इसको पूरा डिस्ट्रॉय करना होगा, ठीक है, तो आपको ये भी बताना होगा। उसी तरह से अगर आप किसी के घर को तोड़ रहे हो रोड ब्रॉड करने के लिए, तो आप देखिए कि उसके घर के आगे का थोड़ा सा स्ट्रक्चर तोड़ के ही काम बन जाएगा या वो घर पूरी तरीके से हटाना पड़ेगा, ठीक है, तो ये रीजंस भी इनको देने होंगे। और तीसरा आप प्रॉपर रीजन दीजिए कि व्हाई देयर इज नो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, ठीक है, व्हाई कि डिमोलिशन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास, ओके। तो ये तीन चीजें इस फाइनल ऑर्डर में मैंडेटरी कर दी गई हैं, ये आपको बतानी होगी। अब चलिए आपने ऑर्डर दे दिया फाइनल, तो थर्ड लेवल पर पोस्ट ऑर्डर ऑर्डर इंप्लीमेंटेशन में क्या बोला गया है। आफ्टर इशूइंग द डिमोलिशन ऑर्डर अब फाइनल ऑर्डर आ चुका है कि इस स्ट्रक्चर को डिमोलिश किया जाएगा, देन अथॉरिटीज मस्ट वेट फॉर अनदर 15 डेज टू अलाउ द ओनर टू चैलेंज द डिसीजन इन कोर्ट और वॉलेंटरली रिमूव द कंस्ट्रक्शन। अब यहां पर तो या तो यहां पर लोग खुद ही ये मंदिर मस्जिद या मजार को खुद रिमूव कर दें, उसके लिए 15 दिन का टाइम दे दीजिए, या फिर ये लोग जाकर कोर्ट में जाके अपील कर दें कि देखिए हमें वहां पे ऑफिशियल से जो हियरिंग के लिए बुलाया था वहां पे तो रिसॉल्व नहीं हो पाया मैटर, इन्होंने फाइनल ऑर्डर जारी कर दिया इसलिए हम लोग कोर्ट में आए, ठीक है। तो फिर यहां पर फाइनल ऑर्डर इशू होने के बाद आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप जाके कोर्ट में चैलेंज कर दीजिए विद इन 15 डेज, और या फिर आप लोग वॉलेंटरीली खुद ही इस स्ट्रक्चर को रिमूव कर दीजिए विद इन 15 डेज। सपोज आपका घर है उसका थोड़ा सा एरिया आ रहा है रोड पे, तो आप उसको आगे की जो बाउंड्री वॉल है या आपका मान लीजिए बगीचा है या एक कमरा भी है तो आप उसको खुद डिस्ट्रॉय कर लीजिए ताकि बाकी का घर डैमेज ना हो, ओके। तो ये एक्स्ट्रा 15 डेज दिए जाएंगे आपको फाइनल ऑर्डर के बाद भी। डॉक्यूमेंटेशन इफ द डिमोलिशन प्रोसीड्स एंड अगर डिमोलिशन होना ही है तो फिर अथॉरिटीज मस्ट रिकॉर्ड दे मस्ट रिकॉर्ड ए वीडियो प्रिपेयर एन इंस्पेक्शन रिपोर्ट बिफोर द डिमोलिशन एंड डॉक्यूमेंटेड डिमोलिशन रिपोर्ट लिस्टिंग ऑल पर्सनल इन्वॉल्व। यहाँ पे पर्सनल इन्वॉल्व जितने भी इस डिमोलिशन में इन्वॉल्व थे ना इन सब पर्सनल की डिटेल्स दी जाएगी, क्योंकि कोर्ट ने यह कहा है कि अगर आपने किसी का घर बेवजह तोड़ा या आपने गलत किया तो ये जो पर्सनल है ना ये ऑफिसर पर्सनली लाइबल होगा इस चीज के लिए, और इस ऑफिसर को पर्सनली अपने खर्चे पे उस आदमी का घर फिर से बना के देना होगा, ठीक है। इसलिए ये बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि जो पर्सनल है यहाँ पे इन्वॉल्व उनकी पर्सनल लाइबिलिटी बनेगी, ऐसा कोर्ट का ऑर्डर कहता है।
ठीक है। तो ये तीन स्टेप में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस जारी की है और ये एक सेफगार्ड की तरह एक्ट करेंगे अगेंस्ट दिस बुलडोजर कल्चर। ठीक है, अब यहां पे हम आते हैं जो आपसे मेन से पूछा जाएगा। गाइडलाइंस तो पूछी जाएंगी डेफिनेटली अगर क्वेश्चन पूछा गया तो, ठीक है। तो उसमें आपको याद रख लिया, आई होप आपको समझ में आ गया हो। पहले 15 डेज एडवांस नोटिस भी देना होगा और उसके बाद जब आपने फाइनल ऑर्डर जारी कर दिया उसके बाद भी आपको 15 डेज का टाइम देना होगा सामने वाले को, ताकि वो या तो कोर्ट में चैलेंज कर सके या खुद ही वॉलेंटरली खुद से रिमूव कर सके उस स्ट्रक्चर को। यानी कि 30 डेज के लिए वेट करना होगा। ऐसा नहीं कि आपने आज ऑर्डर जारी करा और सुबह आप बुलडोजर लेके पहुंच गए, जो कि अभी प्रेजेंट में कल्चर हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, क्या फिर रैशनाले क्या है सुप्रीम कोर्ट का ये बातें करने का, व्हाट इज द रैशनाले बिहाइंड दिस। फर्स्ट पॉइंट इज द अनलॉफुल डिमोलिशन, इट वायलेट द सेपरेशन ऑफ पावर। अब सेपरेशन पावर थ्योरी आपने पढ़ी होगी पॉलिटी में, ठीक है। वहां पे क्या होता है, एग्जीक्यूटिव का काम अलग है, जुडिशरी का काम अलग है और लेजिस्लेचर का काम अलग है, वो लॉ बनाने का। बट यहां पे क्या हो रहा है, आप जो अनलॉफुल डिमोलिशन कर रहे हो उसमें क्या कर रहे हो कि एग्जीक्यूटिव ये जुडिशरी का काम कर रहा है, किसी भी केस को स्टडी करना। या जैसे सपोज कोई रेप केस में फंसा है, मर्डर केस में फंसा, तो क्या कर रहे हैं यहां पे आजकल यूपीएमपी में कि बुलडोजर लेके उसका घर ही तोड़ दो, किसने क्राइम किया है। तो यार वो पनिश करना जुडिशरी का काम है, एग्जीक्यूटिव का नहीं है। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज कि आप सेपरेशन ऑफ पावर को वायलेट कर रहे हो। स्टेट पनिश, गवर्नमेंट पनिश नहीं कर सकती। गवर्नमेंट का काम पनिश करने का नहीं है, क्राइम को प्रिवेंट करने का है। लेकिन अगर क्राइम हो चुका है तो वो पनिशमेंट डिसाइड करने का काम जुडिशरी का है, एग्जीक्यूटिव का नहीं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का काम था उस क्राइम को रोकने का, लेकिन अगर वो क्राइम हो ही चुका है, जैसे एक वो दुबे था, विकास दुबे, ठीक है, उसका पूरा घर डिमोलिश किया गया। उसी तरह एक और था अतीक अहमद, उसका घर डिमोलिश किया गया। ऐसे कई केस हैं, ठीक है। आप क्राइम प्रिवेंट कर सकते हो, करो, लेकिन अगर नहीं कर पाए, क्राइम हो गया, देन इट इज अपॉन द जुडिशरी टू पनिश दोज पीपल, नॉट यू। ओके, दिस इज फर्स्ट फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो कोर्ट ने दिया यहां पर। सेकेंड वॉज दिस अनलॉफुल डिमोलिशन, इट वायलेट द राइट टू शेल्टर। ठीक है, राइट टू शेल्टर सबका फंडामेंटल राइट है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ। अब अगर किसी परिवार के एक आदमी ने क्राइम पनिश कर भी दिया, तो क्या उसके लिए आप उसके परिवार के सारे मेंबर का जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू शेल्टर, क्या आप उसको छीन लोगे? क्या आपको वो वायलेट करने का अधिकार मिल जाता है? तो नहीं मिलता। ठीक है, दिस इज द सेकेंड आर्ग्यूमेंट। तो थर्ड रैशनल वॉज सेफ गार्डिंग अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन। अब इसमें आप यूपी यूपी का एग्जाम्पल याद रख सकते हैं और ये प्रॉपर सर्वे में भी मोस्टली देखा गया। अगेन डोंट टेक इट पर्सनली, कई जगहों पर जो इस तरह की कार्रवाई की गई है वो की गई है अगेंस्ट दी मुस्लिम्स। ओके, अब आप एक इमेजिन कीजिए कि अगर ये रोड था पूरा, ठीक है, यहाँ पे सारे घर की लेंथ बराबर बनी हुई है, ये सारे घर ने मान लीजिए कि अपना बगीचा बाहर निकाल रखा है, बाउंड्री वॉल बाहर निकाल रखी है रोड पर, पब्लिक लैंड पर, तो आपसे भी एक इस पर्टिकुलर घर का ही स्ट्रक्चर डिमोलिश करके आए, बाकी तीन को आपने टच भी नहीं किया, क्यों? तो ये डिस्क्रिमिनेटरी टाइप का एक्शन है। तो इस तरह के किसी भी ये तो कोई लॉजिक नहीं हो सकता ना कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपनी बुलडोजर भेजता है कि ये स्ट्रक्चर जो है वो इलीगल है। अगर इलीगल है तो ये बाकी के जो घर हैं उनका भी स्ट्रक्चर इलीगल है, फिर सभी के अगेंस्ट आपको कार्रवाई करनी थी। चार घर में से आप एक घर को तोड़ा है और कह रहे हैं इलीगल था, तो ये नहीं हो सकता, ये डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन है, उसके अगेंस्ट सेफ गार्ड होना जरूरी है, ये कोर्ट का रैशनाले था। फोर्थ इज पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। आप अगले दिन बुलडोजर लेके पहुंच गए, आपने घर तोड़ दिया, स्ट्रक्चर तोड़ दिया, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि आपने क्या प्रोसेस फॉलो किया। ऊपर से फोन आया होम मिनिस्टर का, उसे दिखाना था कि मैंने एक्शन लिया है, उसने ऑर्डर दे दिया, आपने जाके घर तोड़ दिया। अकाउंटेबिलिटी किसकी बनेगी? ना तो उसने रिटर्न में ऑर्डर दिया, होम मिनिस्टर ने आपको रिटर्न में ऑर्डर नहीं दिया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपने लॉस के अकॉर्डिंग स्टडी नहीं किया, उसको सर्वे नहीं किया कि क्या ये स्ट्रक्चर वाकई इलीगल था। आपने तो सिर्फ दिखाना था कि हमने इन लड़कों को पनिश किया है और आपने तोड़ दिया, ठीक है। तो ये चार मेन रैशनाले थे जिस वजह से ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए, फर्स्ट फर्स्ट इन्होंने वही कहा जो कहना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट को कि हम तो फुलफिल कर रहे हैं अपने लीगल कंप्लायंस को, इलीगल स्ट्रक्चर्स थे हमें हटाने थे तो हमने हटा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, लीगल कंप्लायंस कर रहे हो तो जो गाइडलाइंस है उनको तो फॉलो करते हैं प्रॉपर, ठीक है। 15 डेज का एडवांस नोटिस दीजिए, फिर 15 डेज का आप पूरा
पोस्ट नोटिस पीरियड दीजिए 30 डेज में, अगर ये मैटर रिजोल्व नहीं होता है तब जाके ब्रेक कीजिए। ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता कि आप डायरेक्टली एक दिन पहुंच गए और आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो यहां पे गवर्नमेंट का ये आर्ग्यूमेंट तो फेल हो गया। सेकंड आर्ग्यूमेंट गवर्नमेंट ने दिया, दिस विल एक्ट एज एज अ इफेक्टिव डेटरेंस। इफेक्टिव डेटरेंस कि अगर हम लोग एक घर यहां पे तोड़ रहे हैं तो कोई भी फ्यूचर में इस तरह के इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा गवर्नमेंट लैंड पर, किसी भी तरह का इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, तो ये एक डेटरेंस की तरह काम करेगा। हालांकि उसका मेन लॉजिक उनके पीछे ये था कि इस तरह से क्रिमिनल डेटर होंगे, ठीक है, उनको ये लगेगा कि यार हमारी गलती की सजा पूरे घर को मिलेगी तो हम लोग ना करें। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का कहना था कि इससे इफेक्टिव डेटरेंस होगा, तो ये कहीं ना कहीं चलो फिर भी एक बार को एक्सेप्टेबल है, मगर इलीगल वे में। ठीक है, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन को डेटर करेगा, ये नहीं कि क्रिमिनल्स को डेटर करेगा कि हम आपकी सजा पूरे पनिश परिवार को देंगे। ये सब मुगल्स के टाइम होता था, दिल्ली सल्तनत के टाइम होता था, राजा महाराजाओं के टाइम, कि अगर किसी घर के लड़के ने कोई क्राइम किया है तो उसके पूरे घर को ही पनिश किया जाता था, उसके पूरी फैमिली को ही गांव से या देश निकाला कर दिया जाता था। ठीक है, तो आज रूल ऑफ लॉ है, आज कोई किंग इज राइट या माइट इज राइट वाला कल्चर नहीं चल रहा है कि स्टेट के स्टेट जो चाहेगा करेगा, देयर इज रूल ऑफ लॉ। थर्ड आर्ग्यूमेंट था गवर्नमेंट का कि वी आर जस्ट ट्राइंग टू रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर। आप लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर कीजिए, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि जिसने गलत किया है आप उसकी पूरी फैमिली को पनिश करेंगे, उसके परिवार से राइट टू शेल्टर छीन लेंगे। तो ये आर्ग्यूमेंट भी कोर्ट में बिल्कुल बेकार हो गया गवर्नमेंट का। फोर्थ वन वॉज कि हम लोगों ने जो भी यहां पे एक्शन लिए हैं इट वॉज यूनिवर्सल एंड नॉट अगेंस्ट एनी स्पेसिफिक कम्युनिटी। ठीक है, लेकिन ओवर द टाइम हमने देखा और इवन कोर्ट ने भी इस चीज को एक्नॉलेज किया कि अधिकतर देखा गया आपके ये जो इस तरह के एक्शन है ये जनरली मुस्लिम्स के अगेंस्ट टारगेट किए गए हैं रादर देन बीइंग यूनिवर्सल। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया, चार घर बने लीगली, वहां पर एक तोड़ते हो बाकी तीन नहीं तोड़ते हो, तो फिर ये यूनिवर्सल कैसे हुआ? ये डिस्क्रिमिनेटरी है बिल्कुल, और ये टारगेटेड है, आप किसी पर्टिकुलर को ही टारगेट कर रहे हो। और फिर जनरली क्या होता है कि इस तरह की जब चीजें होती है तो इनके नेता लोग पोस्ट भी करते हैं, जैसे भोपाल में तीन लड़कों ने एक हिंदू लड़के को असॉल्ट किया था, मुस्लिम लड़कों ने उसके चेहरे पे पी किया था इन्होंने, ठीक है, ह्यूमिलेट किया था, दे मेड मेड हिम बार्क लाइक ए डॉग। तो उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने तीनों लड़कों के घर तोड़वाया और उसके बाद खुद वीडियो पोस्ट भी किया और उनके सारे जितने लीडर्स थे उन सबने पोस्ट किया कि देखिए जस्टिस सर्व्ड, दिस इज विजिबल है बिल्कुल कि हमने जस्टिस किए। सही है गलत है वो इमोशनली आप साइड में रखिए, बट लॉफुली फुजिस अलाउड नहीं है। तो आपके खुद ही लीडर्स जब उस पर चेस थम्पिंग करेंगे देखिए हमने कर दिया हमने कर दिया, तो वो तो फिर आप ये कह ही नहीं सकते कि यूनिवर्सल था। ठीक है, वो तो फिर टारगेटेड ही हुआ। नेक्स्ट इज फुलफिलमेंट ऑफ पब्लिक डिमांड। अब पब्लिक डिमांड क्या होती है? पब्लिक डिमांड ये नहीं है कि घर तोड़ो, पब्लिक डिमांड ये है कि योर एक्शन शुड बी विजिबल, द पब्लिक डिमांड फॉर विजिबल एक्शन। तो और वो नेताओं को फिर उसे सपोर्ट मिल जाता है, पब्लिक भी वाह वाह कर देती कि यस यस बहुत सही किया इनके कल्प्रिट्स के घर तोड़ के, तो वो ठीक है, पॉलिटिशियंस उसका रूल करते हैं। बट ये सारे आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट में लगभग धराशायी हो गए एक्सेप्ट दिस वन कि हाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो इफेक्टिव डेटरेंस की तरह काम कर सकता है, बट क्रिमिनल्स पे ये डेटरेंस की तरह काम करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। वो जिसको क्राइम करना है वो करते ही है, चाहे वो घर वालों की चिंता नहीं होती उसको, उसे किसी चीज की नहीं होती। एनीवे, फिर इसमें आप वे फॉरवर्ड क्या लिख सकते हो? अब क्या किया जाए इसमें? सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस दे दी, चलो अच्छी बात है। फर्स्ट इज कि आप जब भी यहां पे किसी भी तरह का डिमोलिशन करने जा रहे हो तो प्लीज कंडक्ट एन एडिक्वेट सर्वे बिफोर डिमोलिशन। ओके, सेकंड थिंग इज देयर शुड बी पैन इंडिया प्रोसीजरल गाइडलाइंस। अब वो तो सुप्रीम कोर्ट ने दे ही दिए तो पूरी इंडिया में एप्लीकेबल भी होगी। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज हुई है। थर्ड वन इज शिफ्टिंग द बर्डन ऑफ प्रूफ। अब ये कंस्ट्रक्शन इलीगल है या नहीं ये प्रूफ आप उस पर क्यों डाल रहे हो जो घर में रह रहा है? ठीक है, उस पर बर्डन मत डालिए। ठीक है, ये प्रूफ करना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है या अथॉरिटीज का काम है। आप प्रूफ कीजिए कि ये पब्लिक लैंड है, ये गवर्नमेंट का लैंड है और यहाँ पे इन लोगों ने जो कंस्ट्रक्शन किया वो इलीगल है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे लाई करना चाहिए कि आप सरकार में बैठे हो, आपका काम है ये सब करना। उस आदमी का काम नहीं है कि वो अपनी जिंदगी में जो रोजी रोटी कमा रहा है वो उस काम को छोड़ के आपके ऑफिस के चक्कर लगाता रहे ये साबित करने के लिए कि मेरा घर तो लीगल है या मेरी चीज तो लीगल जमीन पे बनी है। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होना चाहिए टुवर्ड्स दी अथॉरिटीज, आप प्रूफ कीजिए। फोर्थ इज देयर शुड बी इंडिपेंडेंट रिव्यू मैकेनिज्म। जनरली स्लम्स वगैरह जब ये तोड़े जाते हैं तो वहां पर एक रिव्यू मैकेनिज्म वो भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए जो स्टडी करे इसको, रिपोर्ट दे कि हाँ ये सारी चीजें स्लम वगैरह इलीगल बने थे या लीगल थे। ठीक है, एंड फिफ्थ वे फॉरवर्ड आप लिख सकते हो कि राइट राइट टू रिहैबिलिटेशन सबका राइट है।
ठीक है। और गवर्नमेंट को इस पे फोकस करना चाहिए कि अगर इस तरह से वो कोई इलीगल स्लम वगैरह को हटा रही है तो फिर आप कहीं और रिहैबिलिटेट करके भी दीजिए उन लोगों को, क्योंकि अल्टीमेटली राइट टू शेल्टर सबका राइट है। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से भी एक गलती हुई है, मैं उस पर हाईलाइट करूंगा आपको। एक्सेप्शन, ये शायद सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक चूक हो गई। उन्होंने कहा कि ये जजमेंट वहां एप्लीकेबल नहीं होगी जहां पे स्ट्रक्चर बने होंगे पब्लिक लैंड पे, जैसे रेलवे ट्रैक वगैरह पे। अब मैं आपको अभी तक एग्जांपल दे दे के समझा रहा था, रोड पे आपका घर आ रहा है या फिर रेलवे की जमीन होती है उस पर कई बार स्लम एरिया डेवलप हो जाते हैं। तो इनका कहना है कि अगर पब्लिक लैंड है तो कोई प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप जाके तोड़ दीजिए। तो फिर वो स्लम वाले लोगों के साथ ये इशू बनेगा। चलिए मान भी लें एक बार को कि इलीगल कंस्ट्रक्शन किया आपने रेलवे लैंड पे, तो जब वो कंस्ट्रक्शन हो रहा था इतने टाइम से, तब आप कहाँ थे, राइट? तो दो एक्सेप्शन याद रखिए। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर पब्लिक लैंड पर जैसे रेलवे की जमीन है या कोई डिफेंस कॉलोनी है उनकी जमीन पड़ी हुई है, या फिर कोई फैक्ट्री है गवर्नमेंट की उसका लैंड पड़ा होता है, लोग आके स्लम वगैरह बना लेते हैं झोपड़ियां, ठीक है, या रोड पे लोग घर निकाल देते हैं, तो उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। उन्होंने ये मान लिया है कि रोड पे अगर आपने घर निकाला है तो आपको ये पता था कि ये जगह रोड की है, आपने बेवजह अपना घर आगे बढ़ाया है, तो इसमें हम आपको कोई रियायत नहीं देंगे। आपके पास बस एक आपको आगे वार्निंग दी जाएगी और आप खुद हटा लीजिए, अदरवाइज तोड़ दिया जाएगा। ओके, इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है फ्रॉम द प्रोटेक्टिव एम्बिट स्लम्स एंड इनफॉर्मल सेटलमेंट्स। नाउ देयर इज नो रीजन व्हाई द रिक्वायरमेंट ऑफ नोटिस एंड प्रोपोर्शनैलिटी शुड नॉट बी अप्लाई टू सच इंडिविजुअल एज वेल। तो यहां पर इनका यही कहना है कि ये 15 डेज के नोटिस की जो आपने कंडीशन रखी वो इन पे भी अप्लाई कर दो। 15 डेज की बात है ना, कम से कम उनको भी एक मौका मिल जाएगा कि हम जाके ये बोल सकते हैं कि ये नहीं है आपका, ठीक है, हमने कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं किया है। बट गवर्नमेंट ने कहा है कि नहीं, ये सारी चीजें वहां एप्लीकेबल है जहां पे आप लोग जस्टिस शो करने के लिए बुलडोजर कल्चर चला के किसी क्रिमिनल का घर तोड़ रहे हो, ठीक है, वहां एप्लीकेबल है। लेकिन अगर आपने पब्लिक लैंड पे कोई कंस्ट्रक्शन किया है और वो गवर्नमेंट का लैंड है, ये आप जानते भी थे, तो फिर आपको कोई नोटिस वगैरह दिया जाएगा, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जब चाहेगा इसको तोड़ देगा। तो ये एक्सेप्शन है, बाकी जजमेंट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, उसके पीछे का रैशनल है, गवर्नमेंट के आर्ग्यूमेंट, सारी बातें हो गई है, ठीक है। सो वी आर डन विद दिस टॉपिक। ये सब जर्मनी में क्या चल रहा है, वी आर नॉट, इतना जरूरी नहीं है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ये पॉलिटिक्स का है, इसलिए मैंने बीच में दो तीन डिस्कशन नहीं किया था बिकॉज उसमें कुछ काम का लगा नहीं था मुझे। यहाँ पे केरल के आईएएस ऑफिसर है दो, उनको सस्पेंड किया गया, क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के अगेंस्ट ही काफी कुछ बोल गए थे, जैसे देयर वॉज चार्ज अगेंस्ट एंड प्रशांत दैट ही मेड डेरोगेटरी स्टेटमेंट ऑन सोशल मीडिया अगेंस्ट जया तिलक, वो भी आईएएस है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, ठीक है। तो एक आईएएस ने दूसरे के अगेंस्ट ही डेरोगेटरी स्टेटमेंट जारी कर दिए सोशल मीडिया पर। अब यहाँ पे जब रूल ऑफ सर्विस की बात की जाती है ना, इनकी जो सर्विस रूल है, अब प्रॉब्लम ये है कि जब ये रूल्स वगैरह फ्रेम किए गए थे तब सोशल मीडिया इतना पॉपुलर था नहीं, इनफैक्ट था ही नहीं एक्चुअली, ठीक है। तो आप सोशल मीडिया पे क्या बोल सकते हो क्या नहीं, ये चीज उस रूल में स्पेसिफाई की नहीं गई है, बस एक वर्ड यूज कर लिया गया है कि ऐसा बिहेवियर मत रखिए विच इज अनलाइक बिकमिंग एन ऑफिसर। तो ये जो स्टेटमेंट है अनलाइक बिकमिंग एन ऑफिसर, ये बहुत ही वेग स्टेटमेंट है, ठीक है, इसको किसी भी तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। ओके, तो फर्स्ट तो एक तो ये एग्जाम्पल है, तो ये आप एथिक्स में यूज कर सकते हैं कि इन्होंने एक डेरोगेटरी रिमार्क किया अपने ही सीनियर आईएएस ऑफिसर के अगेंस्ट, और इसी के साथ और यहाँ पे गवर्नमेंट ने इनको डिसिप्लिन के लिए पनिश करने के लिए रिमार्क क्या यूज किया, अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर, ठीक। तो अब ये बहुत ही ओपन टाइप का स्टेटमेंट है, अभी हम इस पे आएंगे। एक और सिमिलर केस आया जी गोपाल कृष्णन का, ही वॉज सस्पेंडेड। अब इन भाई साहब ने क्या किया था, इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया और उसका नाम रखा मल्लू हिंदू ऑफिसर्स, यानी इनके व्हाट्सएप इस व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ हिंदू आईएएस ऑफिसर्स ज्वाइन थे। तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक ही सर्विस में हो और आप एक तरह से कम्युनलिज्म को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, आप रिलीजन बेस्ड इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखा था, फिर बाद में जब इनके अगेंस्ट कंप्लेन हुई तो इन्होंने अपना फोन पूरा फॉर्मेट करवा दिया, फैक्ट्री रिसेट कर दिया, और ये कहा कि मेरा फोन तो चोरी हो गया था या हैक हो गया था और लोगों ने किसी और ने ग्रुप कर दिया। लेकिन जब इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसमें आया कि हैकिंग जैसा कुछ नहीं हुआ था, इन्होंने ये व्हाट्सएप ग्रुप खुद ही बनाया और ये हिंदू मुस्लिम ये खुद ही कर रहे थे। तो ये दो इंसिडेंट्स हैं जो आप एथिक्स में यूज करेंगे कि किस तरीके से ऑफिसर्स भी इस हिंदू मुस्लिम और ऐसी कम्युनल टाइप की चीजों से बचे हुए नहीं है। आजकल शायद कोई भी नहीं बचा है थैंक्स टू मीडिया, दिस गोदी मीडिया, उसके पास एक ही चीज है बस दिखाने को। एनीवे, हम आते हैं रूल्स पे, ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स 1968। अब ये रूल्स बनाए गए 1968 में, तो ऑब्वियसली बात है तब सोशल मीडिया को लेकर ध्यान नहीं दिया गया था कि इस तरह की चीजें भी कभी आएंगी। दिस रूल गवर्न द कंडक्ट ऑफ आईएएस आईपीएस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स, ठीक है, ये ऑल इंडिया सर्विस है तीनों,
Officers should maintain high standards of ethics, integrity, honesty, political neutrality. Now this is important, political neutrality, ठीक है, जो कि आजकल सारे officers है नहीं exactly. पॉलिटिकल न्यूट्रैलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ये सारी वैल्यूज एक्सपेक्ट की जाती है एक ऑफिसर से. नेक्स्ट इज ही शुड अपहोल्ड द सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज. अब सेक्युलरिज्म क्या है यार, सेक्युलरिज्म भी तो हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू ही है ना. अब इस तरीके से अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाओगे कम्युनल टेंशन बढ़ाने वाले, तो फिर आपने क्या किया, आपने सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को ही वायलेट किया है. ठीक है, तो आप तो अपने सर्विस रूल के अगेंस्ट ही चले गए. Although they can participate or contribute in public media in the bona fide discharge of their duties, they shall not be in any communication over any public media adversely criticize the policies of the government. आप government policies को ऐसे publicly media में जाके criticize नहीं कर सकते. ठीक है, ये आपके service rule के under में आता है. आपको किसी public policy में problem है, आप ministers के साथ या CM के साथ बैठ के वहां criticize कर सकते हो, बट आप बाहर जाके मीडिया में क्रिटिसाइज नहीं करोगे कि ये सब एकदम बकवास स्कीम आई है, बकवास पॉलिसी बनाई गई है, इसको इंप्लीमेंट करना बिल्कुल मुश्किल होगा. ठीक है, आप पब्लिकली नहीं कर सकते ये. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सर्विस रूल में है आपके. सेकेंड इज दे शैल नॉट हैव रिकोर्स टू एनी कोर्ट और प्रेस फॉर द विंडिकेशन ऑफ ऑफिशियल एक्ट. ओके, आपको आपके साथ अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने आपको पनिश किया, जैसे यहाँ पे सस्पेंशन किया है, ठीक है, इस तरह की गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट कोई एक्शन लेती है, तो आप किसी भी ऑफिशियल एक्ट के लिए कोर्ट वगैरह नहीं जा सकते विदाउट द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट. आप गवर्नमेंट से परमिशन ले लीजिए कि आपने मेरे खिलाफ जो एक्शन लिया है वो ठीक नहीं है, मुझे ये सही नहीं लगता, ठीक है, तो मुझे इसके अगेंस्ट अपील करनी है. तो गवर्नमेंट कहेगी ठीक है, जाओ कर लो कोर्ट में. ठीक है, या और भी कोई ऑफिशियल एक्ट के थ्रू कोई चीज है, तो आप कोर्ट में जब भी जा सकते हो, किसी भी कोर्ट में, इन एनी कोर्ट, ओनली आफ्टर द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, नेक्स्ट इज ऑफिसर शैल डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ मेंबर ऑफ सर्विस. नो, ये ही सबसे बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट है, क्योंकि ये टर्म ऐसा है, इसकी लैंग्वेज इस तरह की है कि इसको किसी भी तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है. ठीक, चलिए सेकंड केस तो ठीक है, वो हिंदू ग्रुप वाला, लेकिन उसके पहले जो था कि उन्होंने अपने चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के अगेंस्ट कोई डेरोगेटरी रिमार्क लिखा, अब वो डेरोगेटरी रिमार्क है एग्जैक्टली या किसी तरह का जेन्युइन क्रिटिसिज्म है, वी डोंट नो. ओके, क्योंकि यहाँ पर रिमार्क मेंशन नहीं है, बट द थिंग इज कि ये जो पॉइंट है इसको पॉलिटिशियंस ने बहुत मिसयूज कर रहा है, ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस को भी पनिश करने के लिए, एट द सेम टाइम कुछ गलत ऑफिसर्स को डिसिप्लिन करने के लिए भी. इसका यूज भी किया जा सकता है, मिसयूज भी किया जा सकता है. फर्स्ट थिंग इज रूल्स डोंट हैव एक्सप्लिसिट गाइडलाइंस विद रिस्पेक्ट टू कम्युनिकेशन थ्रू सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया तब था ही नहीं, तो सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग क्या पोस्ट कर सकते हैं और क्या पोस्ट नहीं कर सकते, इसको लेकर कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं है रूल्स में. बट एट द सेम टाइम कुछ सृष्टि देशमुख जैसे आईएएस ऑफिसर्स भी हैं जो कैमरा लेकर ही जाते हैं पब्लिक में, और एक और ऑफिसर है उत्तराखंड के, वो भी कैमरा लेके जाते हैं. कैमरे पे आप अपने से जूनियर ऑफिसर को फटकार लगा रहे हो, डांट लगा रहे हो, ठीक है, और उस कैमरे उस फिर उस वीडियो को पब्लिश कर रहे हो सब जगह, तो वो भी तो उसी डेफिनेशन में आना चाहिए ना. दिस इज अनबिकमिंग ऑफ मेंबर ऑफ सर्विस. आप सर्विस में हो, आप अपने जूनियर को, या चलिए मान लीजिए कोई बी ग्रेड ऑफिसर, सी ग्रेड ऑफिसर, आप उसको ह्यूमिलिएट कर रहे हो वहां पब्लिकली, और उसका वीडियो बना के फिर उसको वायरल भी कर रहे हो कि देखिए मैं कितना स्ट्रिक्ट हूं, तो वो भी तो अनबिकमिंग ऑफ मेंबर ऑफ सर्विस है ना, तो फिर उनके खिलाफ भी एक्शन लीजिए. ठीक है, और आप उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे खुले हम. सेकंड इज रूल्स हैव बीन अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय इंक्लूडिंग वेरियस न्यू कंडक्ट गाइडलाइंस दैट रेगुलेट बोथ प्राइवेट लाइफ एज वेल एज ऑफिशियल लाइफ ऑफ द ऑफिसर. अब ऐसा नहीं है कि आप ये कहोगे मैं तो अपनी प्राइवेट लाइफ में लंबोर्गिनी लेके घूम रहा हूं तो क्या प्रॉब्लम है. नहीं, आपकी प्राइवेट लाइफ में भी आपका बिहेवियर कैसा है वो भी मैटर करता है. ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड की गाड़ी है वो तो मैं तो बस ऐसे ही ऑफ ड्यूटी थी तो घूम रही थी, या वाइस वर्सा, तो ऐसा नहीं है. आपकी प्राइवेट लाइफ में भी कुछ पर्टिकुलर टाइप के बिहेवियर आपसे एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं. ठीक है, मान लिया कि आप आफ्टर 6 PM ड्यूटी पे नहीं हो, बट दैट डजंट मीन कि 8 बजे आप ड्रिंक करके और कुछ भी कर रहे हो पब्लिकली. ठीक है, या कहीं पार्टी में और आप कहो कि ये तो मेरा प्राइवेट टाइम था, अगर ऐसा वीडियो आ भी गया सामने तो आप अब्यूज करते हुए या ड्रिंक करते हुए, तो आप क्यों डिसिप्लिनरी एक्शन ले रहे हो मेरे अगेंस्ट. लिया जा सकता है, आपकी प्राइवेट लाइफ एज वेल एज योर ऑफिशियल लाइफ दोनों में कुछ एटिकेट्स एक्सपेक्ट किए जाते हैं अंडर दिस. द टर्म अनबिकमिंग ऑफ मेंबर ऑफ द सर्विस हाउएवर कंटिन्यूज टू बी एन ऑमनीबस राइडर दैट कैन बी यूज्ड एंड मिसयूज्ड एंड मिसइंटरप्रिटेड. ठीक है, नाउ
It is the senior officers and government who enforce these rules against the junior officers, and hence the latter need to be protected from any such misuse. अब जनरली क्या होता है, जो सीनियर ऑफिसर है जैसे चीफ सेक्रेटरी हो गया, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हो गया, वही इस तरह के रूल्स को एनफोर्स करता है किस पे, जो न्यू रिक्रूट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डेप्यूटी कलेक्टर, उनके अगेंस्ट. तो फिर जो जूनियर ऑफिसर है इनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना जरूरी हो जाता है. सो क्या किया जा सकता है, फर्स्ट इज स्पेसिफिक रूल्स मे बी एडेड विद रिस्पेक्ट टू यूज ऑफ सोशल मीडिया. पहले तो पता है ये कल्चर बंद होना चाहिए, ये जो वीडियो वगैरह डालते हैं आईएएस ऑफिसर्स एकदम टशन में जाके सिंगम बने घूम रहे हैं, वो ठीक नहीं है. आप खुद का डाल रहे हो वहां तक ठीक है, आप किसी और को डांट के दिखा रहे हो कि देखिए मैं कितनी स्ट्रिक्ट हूं, कितना स्ट्रिक्ट हूं, वो ठीक नहीं है, सामने वाले को ह्यूमिलिएशन फील कराते हो आप. सेकेंड इज एन इलस्ट्रेटिव लिस्ट मे बी प्रोवाइडेड फॉर द टर्म अनबिकमिंग ऑफ एन मेंबर ऑफ द सर्विस. अब ये जो वेक टर्म है इसमें आप एक लिस्ट प्रोवाइड कर दीजिए कि आप कौन से बिहेवियर को मानेंगे कि दिस बिहेवियर इज एन अनबिकमिंग ऑफ ऑफिसर. कि जैसे आप ड्रिंक कर रहे हो कहीं पे पब्लिक प्लेस में आफ्टर योर ड्यूटी आवर्स, ठीक है, पुलिस वाला हो, ठीक है, या फिर आप कहीं पे गाली गलौज कर रहे हो, तो उस टाइप की एक लिस्ट जारी कर दीजिए प्रॉपर कि दिस बिहेवियर इज कंसिडर्ड एज अ अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर्स. नेक्स्ट इज ऑफिसर्स शुड एक्सरसाइज रिस्पॉन्सिबल एनोनिमिटी वाइल डिस्चार्जिंग देयर फंक्शंस एंड डिसेमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेम. ओके, तो यहां पर हमने रूल्स को डिस्कस कर लिया, आगे चलते हैं. आगे ज्यादा कुछ काम का नहीं है. क्विक कॉमर्स, क्यूब कॉमर्स और FMCG, ये दोनों मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं इन 20 मिनट्स डिस्कशन. मैंने दोनों डिस्कस किया था क्योंकि क्विक कॉमर्स एक चैलेंज बन के आया है ई कॉमर्स के लिए. पहले ये लोग आपको कुछ दिन वेट कराते थे, फिर लेके आए 24 आवर्स डिलीवरी, फिर आया क्विक कॉमर्स जो कहता है हम 10 मिनट्स डिलीवरी, 20 मिनट्स डिलीवरी कर रहे हैं, ठीक है. तो ये एक चैलेंज बनता जा रहा है और इस कॉम्पिटिशन की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कम होती जा रही है. ओके, तो मैं ये ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ 20 मिनट सीरीज में दोनों टॉपिक, क्विक कॉमर्स भी, FMCG भी, तो मैं यहाँ पे दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा. यहाँ पे यूएस ने फिर से चाइना ने यूएस को वार्निंग दी है कि ताइवान को सपोर्ट करना है करो, लेकिन रेड लाइन क्रॉस मत करना. अब रेड लाइन चाइना के लिए क्या है वो कोई डिफाइन तो नहीं की जाती है, बट वो ये मानता है कि ताइवान मेरा पार्ट है, ठीक है, और वो चाइना का इंटीग्रल पार्ट है, आप उसको एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह ट्रीट मत कीजिए. चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग वॉन्ड द यूएस ऑन सैटरडे नॉट टू क्रॉस ए रेड लाइन इन सपोर्ट ऑफ ताइवान. इसलिए मैं कहता हूँ कि जब पावरफुल लीडर्स की बात आती है तो ये हमारा गोदी मीडिया हर कुछ सर्वे कराए कह देता है पीएम मोदी बने सबसे पावरफुल लीडर. नो, पावरफुल लीडर की अगर बात है तो पुतिन और जी जिनपिंग कहीं ज्यादा आगे हैं और ये रियल में पावरफुल लीडर्स हैं. हमारे वाले सिर्फ सोशल मीडिया पे पावरफुल हैं और कहीं नहीं. दूसरा, इन दोनों की मीटिंग हुई है ऑन द साइडलाइंस ऑफ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन समिट जो कि हो रहा है पेरू में, ठीक है. एपेक पर मैं ऑलरेडी पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं, इस पे मैं डायरेक्टली नोट पोस्ट कर दूंगा. आई एम नॉट टेकिंग दिस एज पार्ट ऑफ दिस वीडियो डिस्कशन. ओके, इसके अलावा बाकी स्पोर्ट्स न्यूज है. सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग.